जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। क्या सीक्वल में बदल जाएंगे कहानी के मायने? क्यों करण को पसंद नहीं है अपना किरदार? क्या शाहरुख खान ने किया करण पर एहसान? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त शीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। डायरेक्टर प्रोड्यूसर होस्ट करण जौहर को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं, स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं और उनका कॉफी विद करण शो तो कितना मशहूर है ये तो हम सभी जानते हैं, तो अब उन्हें अलग पहचान की क्या जरूरत। पर जब बात करण के फिल्मों पर आती है तब उनकी फिल्मी डेब्यू में उन्होंने जो धमाका किया, यानी कि कुछ कुछ होता है फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर कदम रखा, उसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए। आखिर उन्हीं की वजह से हमें कुछ कुछ होता है जैसी कल फिल्म देखने को मिली थी। पर कितनी हैरानी की बात है ना, इस डायरेक्टर ने फिल्म बनाई जिसे आज तक ऑडियंस भूल नहीं पाई, पर उसी को अपने फिल्म के किरदारों से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। करण आज ये मूवी देखते वक्त हज़ारों कमियां निकालते हैं अपने डायरेक्शन की और फिल्म के किरदार की। अब फिल्म की जान यानी राहुल, जिसका किरदार निभाया था शाहरुख खान ने, उसे लेकर भी करण खुश नहीं है। करण का ये कहना है कि जिस तरह से फिल्म में ट्रायंगल लव स्टोरी दिखाई गई, राहुल अंजलि का एक क्यूट बॉन्ड दिखाया गया, कॉलेज लाइफ दिखाई गई, फिर टीना की एंट्री से कहानी ने अलग मोड़ ले लिया, पर उस वक्त राहुल का किरदार काफ़ी कंफ्यूज नज़र आया। पहले उसे अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ, उसे वो एहसास दिलाने के लिए रानी के किरदार को अलविदा कहना पड़ा और फिर जाकर छोटी अंजलि ने राहुल को उसका प्यार दिलाया। मतलब हर टाइम राहुल को किसी सहारे की ज़रूरत थी, उसे पुश करने की ज़रूरत थी। अगर अंजलि नहीं होती तो राहुल ऐसे ही भटकता रहता। तो सुने आपने इन माशे के विचार। वैसे करण को अपने किरदार इसलिए पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो आज के ज़माने के हिसाब से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आज की फिल्म में इतने कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले किरदार नहीं दिखाए जाते और ना ही किरदारों को एक्सप्रेस करने में इतना टाइम लगता है। जैसे कि आज के यंगस्टर्स को हर चीज़ का तुरंत रिजल्ट चाहिए, वैसे वो एक लव स्टोरी देखते वक्त भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने करण की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म देखी होगी तो उसमें भी ऐसे ही इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस थे, पर उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में कैरेक्टर्स ही अतरंगी थे, बोल्ड थे। ये बात अलग है कि उसमें वो एहसास नहीं था और ज़माने के हिसाब से स्टोरी का लुक भी बदल जाता है। तो अगर सीक्वल की बात करें तो करण के नज़रिए से वो कोई ट्रेजेडी नहीं क्रिएट करेंगे, इमोशनल क्वेश्चन पर फोकस तो होगा पर उसे खींचा नहीं जाएगा। जी हाँ, पर किसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा और किसकी लव स्टोरी पूरी होगी, इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ाई जाएगी। खैर, जब करण इस फिल्म पर काम करेंगे, फिल्म रिलीज होगी, तभी सारा मामला क्लियर हो जाएगा और तब तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि करण खुद ही के काम पर कमेंट ना करें। वैसे पहले ही झटके में एक फिल्म को सक्सेस बनाना कोई आसान बात तो नहीं है, इस मामले में करण को मानना पड़ेगा। और एक बात यह है कि करण ने 24 साल की उम्र में इतना बड़ा चैलेंज लिया और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बजाय। जी हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के लिए डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को असिस्ट किया था, पर उस वक्त आदित्य के साथ शाहरुख भी थे जिन्होंने करण का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि करण तुम्हें एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन पर फोकस करना चाहिए, आदित्य से तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो, पर अगर तुम खुद की क्रिएटिविटी दिखाकर कोई करिश्मा करो तो उसकी वाहवाही होगी और उसका सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसी फिल्म में करण शाहरुख के दोस्त रॉकी का किरदार निभा रहे थे और उन्हें एक्टिंग में कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था, उनका ध्यान सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर ही था। इसी की वजह से तो आज करण की ये सक्सेसफुल जर्नी रही है, इसमें कहीं ना कहीं शाहरुख खान का भी हाथ है। तो करण अपनी दोस्ती निभाने का एक और मौका है आर्यन खान को लॉन्च करने का, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।